हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी ऑफ वर्ल्ड। सो दिस इज बिभास। सो फ्रेंड्स, आज हम कुछ डेली यूज इंग्लिश के सेंटेंसेस देखेंगे, लाइक मैं खाना बनाती तो हूँ। आप इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, या इस तरह के सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? मैं खाना बनाती तो हूँ, राइट? मैं काम करता तो हूँ, राइट? मैं पढ़ाई करता तो, वह पढ़ाई करता तो है, मैं पढ़ाई करता तो हूँ, या फिर उसने पत्र लिखा तो सही, उसने पत्र लिखा तो सही, राइट? तो इस, या रमेश कमाता तो है, राइट? मैंने आपकी मदद तो की। तो इस तरह के सेंटेंस को आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, या कैसे आप इसे इंग्लिश में या बोलचाल में इंग्लिश में कहेंगे, राइट? तो आज हम इसको सीखेंगे फ्रेंड्स। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है, जिसमें कि तो जो है, तो लगा हुआ है ना इस सारे सेंटेंस में। आप देख रहे हैं ना, एक जगह पे, यहाँ पे प्रेजेंट केस में भी तो लगा है, और यहाँ पे पास्ट टेंस में भी तो लगा हुआ है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, तो का इंग्लिश आप क्या यूज करेंगे? तो का इंग्लिश डू यूज करेंगे, डज यूज करेंगे, एंड डिड यूज करेंगे। तो अब ये डिसाइड करना है कि कब डू यूज होगा, कब डज यूज होगा, कब डिड यूज होगा, राइट? बट इसमें दो केस में ही इंपरेटिव सेंटेंस यूज होता है, प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस में। तो प्रेजेंट टेंस का देखते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में देखिए, तो का इंग्लिश डू या डज यूज करेंगे। इसमें भी दो ऑप्शन है, तो कब डज यूज करना है, कब डू यूज करना है, राइट? तो यहाँ पे देखें फ्रेंड्स, अगर ही रहेगा या सी रहेगा, कोई भी नाम रहेगा, गीता, रमेश, सीता, मुस्कान, इस तरह के कोई भी, अगर एक नाम रहेगा, दो नाम नहीं, दो नाम रहेगा तो प्लुरल हो जाएगा, एक नाम रहेगा तो उसके साथ तो का इंग्लिश हम डज यूज करेंगे, ठीक है? अगर यहाँ पे आई रहेगा, वी रहेगा, यू रहेगा, या प्लुरल नंबर रहेगा, यानी कि वे या वे लोग, या राम और श्याम, गीता एंड मीता, इस तरह के जो प्लुरल नाम रहेंगे या प्लुरल जो संबोधन होगा, तो उसमें जो है हम तो का इंग्लिश डू यूज करेंगे, राइट? तो अब यहाँ पे आपने देख लिया कब डू लगाना है, कब डज लगाना है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा इंपैथिक सेंटेंस का? पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर डू या डज यूज करेंगे, एंड देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, एंड देन ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। अगर यहाँ पे पास्ट टेंस रहता है, मैंने लिखा तो सही, हाँ मैंने लिखा तो सही, मैंने पत्र लिखा तो सही, मैंने खाया तो सही, तो ये सब सेंटेंस पास्ट टेंस के हैं। तो इसमें देखिए क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस V1। इसमें तो एक डिड का ही ऑप्शन है, इसमें कोई और इश्यू नहीं है। तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, ये का स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला कहें तो, राइट? तो डिड का इंग्लिश, तो का इंग्लिश यहाँ पे क्या यूज करेंगे, डिड यूज करेंगे। नाउ यहाँ पे आप देखेंगे, अब हम बनाते हैं सेंटेंस। अभी आपने देखा एग्जाम्पल एंड स्ट्रक्चर भी देख लिया, फॉर्मूला भी देख लिया। मैं खाना बनाती तो हूँ, तो ये प्रेजेंट टेंस में है, मैं यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, एंड देन यहाँ पे तो का इंग्लिश क्या आ जाएगा, मैं है, तो मैं के साथ डू लगेगा। आई डू, खाना बनाना का क्या होता है, कुक या कुक फूड, दोनों लिख सकते हैं। क्या होगा यहाँ पे, आई डू कुक, मैं, तो का इंग्लिश आएगा उसके बाद, क्या आएगा, डू, आई डू कुक, कुक मतलब खाना बनाना। नेक्स्ट, मैं काम करता तो हूँ, मैं काम करता तो हूं, तो हाउ यू विल से, आप इसे कैसे कहेंगे, मैं, एंड देन फिर तो का क्या हो जाएगा, आई के साथ डू यूज होगा, तो आई डू वर्क, मैं काम करता तो हूं, राइट? आई डू वर्क, काम करना का क्या होगा, वर्क, राइट? तो मैं, उसके बाद तो का इंग्लिश, फिर काम करना का इंग्लिश, राइट? तो आई डू वर्क। दूसरा, वह पढ़ाई करता तो है, वह पढ़ाई करता तो है, तो वह यहाँ पे ही आ जाएगा, राइट? तो उसके बाद, क्योंकि यह ही है, ही के साथ डज आएगा, है ना, तो का इंग्लिश, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही डज स्टडी, पढ़ाई करना का क्या होता है, स्टडी, ही, उसके बाद तो का इंग्लिश, डज आया, एंड देन स्टडी। नेक्स्ट, रमेश कमाता तो है, रमेश कमाता तो है, यहाँ पे देखिए रमेश क्या है, एक सिंगल नाम है, तो इसके साथ क्या यूज होगा, डज यूज होगा, तो का इंग्लिश। तो यहाँ पे देखिए क्या है, रमेश डज अर्न, कमाना का क्या होता है, अर्न, रमेश डज अर्न, राइट? अब दूसरा देखते हैं, दूसरे तरह के जो पास्ट टेंस के हैं, जैसे यहाँ पे मैंने आपकी मदद तो की, राइट?
मतलब जो कटने का काम था वो तो की, मैंने आपको मदद तो की, हम ऐसे बोलते हैं ना, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? तो पहले मैंने का इंग्लिश होगा आई, उसके बाद तो का इंग्लिश यहाँ पे क्या होगा? डिड होगा, क्योंकि ये पास्ट टेंस में आपने मदद करने का काम कर लिया है। तो यहाँ पे क्या आएगा? आई डिड योर हेल्प, आई डिड उसके बाद आपकी मदद, योर हेल्प, बहुत आसान है, राइट। दूसरा देखते हैं, मैंने तुम्हें पैसे दिए तो सही, यहाँ दिए तो सही या तो, दोनों को रहेगा तो दोनों का हम डिड ही यूज करेंगे, राइट। तो मैंने तुम्हें पैसे दिए तो सही, तो मैंने, उसके बाद यहाँ पे आई आ जाएगा, फिर डिड आ जाएगा, गिव द मनी टू यू, राइट। तो आई डिड गिव यू मनी, राइट। यहाँ पे आई आया, फिर तो सही का डिड आया, और देना का गिव यू मनी, राइट। आई डिड गिव यू मनी, राइट, तुम्हें पैसे दिए तो यू मनी, राइट। नेक्स्ट, तुमने शॉपिंग किया तो सही, तुमने शॉपिंग किया तो सही, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तुमने तो सही का क्या आ जाएगा? डिड, क्योंकि पास्ट टेंस में है, काम शॉपिंग करने का काम हो चुका है। तो आई, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यू डिड द शॉपिंग, शॉपिंग करना का क्या होगा? लाइक शॉपिंग ही, राइट। क्या होगा? यू डिड द शॉपिंग, यू डिड द शॉपिंग। दूसरा, अनीता ने डांस किया तो, अनीता ने डांस किया तो अनीता यहाँ पे क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर में एक नाम है, बट ये तो पास्ट टेंस में है, तो इसमें डू डज का कोई मतलब ही नहीं है, तो डिड ही आएगा। तो क्या होगा? अनीता डिड द डांस, अनीता डिड द डांस, राइट। और कुछ मिसलेनियस कर लेते हैं एक बार प्रैक्टिस। वह क्रिकेट खेलता तो है, ये देखिए प्रेजेंट टेंस में, खेलता तो है तो प्रेजेंट टेंस में है, तो क्या होगा? वह ही के साथ डज लगेगा, ही डज प्ले क्रिकेट, ही डज प्ले क्रिकेट, देन फिर वी वन आएगा ना यहाँ पे, ही डज प्ले क्रिकेट। दूसरा, मुस्कान पढ़ती तो है, मुस्कान पढ़ती तो है, तो यहाँ पे क्या आएगा? मुस्कान डज, यहाँ पे स्पेलिंग डज का गलत आ गया है, तो ओके, तो यहाँ एस एक्स्ट्रा आ गया फ्रेंड्स, प्लीज इग्नोर एंड सॉरी फॉर दैट। तो टाइपिंग रेड है, मुझे लाइक यू नो, मुस्कान पढ़ती तो है, मुस्कान डज स्टडी, मुस्कान डज स्टडी, क्योंकि मुस्कान थर्ड लाइक एक नाम है, तो नाम के साथ क्या आएगा? अगर एक नाम है तो उसके साथ डज आएगा, तो मुस्कान डज स्टडी, राइट। उसने पत्र लिखा तो सही, यहाँ देखिए लिखा तो सही मतलब लिखने का काम हो चुका है, पास्ट टेंस में है, तो ही और सी, राइट। ही सी के साथ क्या आएगा? तो सही का इंग्लिश डिड, ही और सी डिड राइट ए लेटर, है ना, ही और सी डिड राइट ए लेटर, पत्र लिखा, राइट ए लेटर। दूसरा, रीता ने तुम्हें फोन किया तो सही, रीता ने तुम्हें फोन किया तो सही, तो रीता है, तो यहाँ पे अगर आप, अगर ये प्रेजेंट टेंस में रहता तो डज लगता है, बट ये या तो सही मतलब काम हो चुका है फोन करने का, तो ये पास्ट टेंस में है, तो क्या होगा? रीता डिड, राइट, कॉल यू, राइट। तो वेरी सिंपल, रीता डिड कॉल यू और कॉल टू यू, राइट, इट्स वेरी सिंपल। तो हम लाइव क्लास में और प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंस का, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आपने सीखा होगा, और प्रैक्टिस कीजिए और डेली अपने फैमिली मेंबर फ्रेंड के साथ इसको जो है यूज कीजिए, एंड प्लीज शेयर भी कीजिए इस वीडियो को, राइट फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच, प्लीज शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं कल 8:30 बजे लाइव सेशन में। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।